नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैंसर की सर्तियां दवा देने के नाम पर अंबाला शहर के राजीव कुमार से 30-30 लाख ठगी के मामले में पुलिस ने यमुनानगर के छचरौली वासी बिजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 17 जून को मॉडल टाउन के राजीव कुमार ने शहर थाना पुलिस को शिकायत में बताया था कि हमारी घास मंडी में पर्दों की दुकान है, इसके अलावा हमारा इकोनोर हेल्थ केयर सेंटर भी है। दुकान पर लंबे समय से सिंघावाला के रणजीत सिंह पर्दों की खरीद के लिए आते थे, इसी कारण मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। वह पिछले वर्ष दिसंबर माह में रणजीत दुकान पर आया था। उसने बताया कि यमुनानगर का बिजेंद्र कैंसर की सर्दियां दवा देता है, यह अति दुर्लभ दवा है, सैकड़ों मरीज ठीक हो चुके हैं, कोई कैंसर का मरीज हो तो बताना। राजीव ने बताया कि मेरा दोस्त मोहन लाल सैनी और संदीप कैंसर से पीड़ित है। कुछ दिन बाद रणजीत बिजेंद्र के साथ दुकान पर आया था। बताया कि गाजियाबाद का राजेंद्र नागर दवा ला कर देगा। राजीव ने मोहन सैनी और संदीप को दुकान पर ही बुला लिया। रणजीत और बिजेंद्र ने राजेंद्र नागर के साथ फोन पर बातचीत करवा दी। राजेंद्र नागर ने दवा की कीमत 17 लाख रुपए बताई। इस पर रणजीत और बिजेंद्र ने राजीव से कहा कि आप हमारे पुराने मित्र हैं, इसलिए दवा 55-60 लाख में दिलवा देंगे। इसके बाद सौदा 52 लाख रुपए तय हुआ है। इस पर राजीव ने मोहन और संदीप के सामने 1 लाख रुपए दोनों को दे दिए। कुछ दिन बाद राजेंद्र नागर दुकान पर आया, बताया कि दवा तैयार हो गई है, 5 लाख रुपए अभी दे। उसके पास 1 लाख रुपए थे, वह उसने दे दिए। इसके बाद 28.30 लाख रुपए भी दवा के लिए उन्होंने आरोपियों को दे दिए, लेकिन ना तो दवा दी और ना ही राशि लौटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।